पंजाब के अमृतसर निवासी ट्रक चालक व क्लीनर ने नशे में धुत होकर मंगलवार के देर रात कलमना थाने के 4 पुलिस वालों पर घातक हमला कर दिया। आरोपियों ने रॉड तथा चाकू से PSI तथा सिपाही की हत्या का प्रयास किया, जबकि बीच बचाव करने वाले 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के इतिहास में संभवतः यह पहली घटना है जब किसी ट्रक चालक व क्लीनर ने इस प्रकार की हिमाकत की है। उल्लेखनीय है कि ट्रक चालक व क्लीनर एक नाबालिग को चोरी के शक में बांधकर उसकी निर्मम पिटाई कर रहे थे। किशोर को बचाने के लिए ही कलमना पुलिस वहां पहुंची थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात 10:30 बजे कलमना थाना क्षेत्र के तहत कलमना कृषि उपज मंडी गेट क्रमांक 1 के भीतर प्लॉट नंबर 229 विजयनगर संत कबीर स्कूल के पीछे निवासी गिरीश मनसुख शाहू को चावल की चोरी के शक में ट्रक चालक व क्लीनर अमृतसर निवासी आरोपी शमशेर सिंह मेजर सिंह रंधावा तथा मनदीप सिंह सूर्यवीर सिंह सिद्धू ने पकड़ा तथा उसकी पिटाई करने लगे। आरोपियों ने गिरीश के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए तथा उसे अपने ट्रक की डीजल टैंक से बांधकर घातक हथियार का डर दिखाकर हत्या की धमकी देने लगे। आरोपियों की इस करतूत की जानकारी किसी ने चंद कदमों की दूरी पर स्थित कलमना पुलिस को दे दी। कलमना पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई तथा पुलिस वालों ने गिरीश को आरोपियों की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश शुरू की। बताया जाता है कि उड़ता पंजाब को सार्थक करते हुए दोनों आरोपी किसी ड्रग्स के नशे में चूर थे तथा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आरोपियों का कहना है कि वे पुलिस के कहने पर गिरीश को नहीं छोड़ेंगे, उनका मालिक आने पर ही फैसला होगा। बताते हैं कि ट्रक मालिक ने भी आरोपियों को भड़काया तथा गिरीश को किसी सूरत में नहीं छोड़ने की हिदायत आरोपियों को दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काफी समझाया कि यह महाराष्ट्र है, पंजाब नहीं। यहाँ कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। गिरीश को वो थाने ले जाने तैयार है तथा वहीं पर वह चोर है या नहीं इसका फैसला होगा। लेकिन नशे में बुरी तरह चूर दोनों आरोपी नहीं माने, उन्होंने पुलिस के सामने ही रॉड घुमाना शुरू कर दिया। गिरीश को छुड़ाने की कोशिश करने वाले पुलिस सिपाही अरविंद यादव के सिर पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या का प्रयास किया। इसके बाद आरोपियों ने PSI नवनाथ पाटवदकर की हत्या के मकसद से उन पर खंजर से हमला कर दिया। उन्हें बचाने के लिए सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मदन सिंह जनकवार गए तो उनके हाथ पर आरोपियों ने रॉड से हमला कर दिया। एक अन्य पुलिस सिपाही विजय तिड़के के हाथ पर भी रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर आरोपियों को कब्जे में ले लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत कलमना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिनांक 17/11/2020 एक लहान मुलगा गिरीश मनसुख शाहू यास आरोपी शमशेर मेजर सिंह रवाना आणि मनदीप सिंह सद्दू यांनी त्याच्या ताब्यात ठेवलेले होते। त्याला सोडवण्यासाठी पब्लिक गेले होते, पब्लिकला सुद्धा ते ऐकत नसल्यामुळे त्यांनी पोलिसाला कॉल केला होता। त्या ठिकाणी लहान मुलाला सोडवण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करीत असताना त्याच्यामध्ये किंचित जो कटर असतो, कटर हाताला लागलेला आहे, त्या संदर्भात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आलेला आहे। आरोपी हे अमृतसर पंजाब राज्यातील असून त्याचा अधिक तपास चालू आहे।